हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस स्टॉक्स एज वेल. सो जुलाई सीरीज भी एंड हो चुका है, अब अगस्त सीरीज स्टार्ट होगा. तो थोड़ा हम ब्रॉडर व्यू एनालिसिस करेंगे और क्या कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज है हम लोग एनालिसिस. निफ्टी में अगर आप देखो, ये इवनिंग स्टार सेटअप पैटर्न बन चुका है और ये एक्सट्रीमली नेगेटिव होता है, और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन है वो भी बहुत क्लोज है. अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मुझे लगता है एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है. तो बहुत क्लोज है हम लोग. अगर कल का सेशन भी फॉल देखने को मिलता है तो डाउन ट्रेंड थोड़ा सा कंफर्म हो सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है 10,400-10,500 तक. मे बी 400-500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक. सो थोड़ा सा भी व्यू कॉशियस हो जाएगा लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए. आपको शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सेटअप बहुत नेगेटिव लग रहा है. इनफैक्ट अगर हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू एनालिसिस करें तो ये मंथली चार्ट है. अप्रैल सीरीज पॉजिटिव था, मई सीरीज पॉजिटिव था, जून सीरीज पॉजिटिव था, जुलाई सीरीज भी पॉजिटिव था. तो अगर आप देखो, मार्च के बड़े फॉल के बाद ये चार महीना पॉजिटिव सीरीज हमें देखने को मिला है. तो डेफिनेटली अभी मुझे लगता है जो अगस्त सीरीज है, अगस्त और सेप्टेम्बर इनफैक्ट, वो हो सकता है हमें ऐसा नेगेटिव कैंडल्स हमें देखने को मिले. तो हो सकता है 9000 तक, 9400 तक एक बार वापस निफ्टी आ सकता है. ये ब्रॉडर व्यू एनालिसिस है, जल्दबाजी होगी यहाँ पर बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से फॉल आ सकता है. और जो सबसे पहले बताता है उसी को लोग याद रखते हैं, तो याद रखना ये वीडियो. मुझे लगता है सेप्टेम्बर तक 9000 निफ्टी आ सकता है. अगर नेक्स्ट दो तीन दिन में भी हमें फॉल देखने को मिलता है निफ्टी में, तो डेफिनेटली 9400 भी आ सकता है निफ्टी, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है. क्यों मैं आपको और रीजंस में आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आज. क्योंकि क्रूड भी अगर आप देखो, एक बड़ा फॉल आया था और अब यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. तो क्रूड में भी बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसी के लिहाज से मुझे लगता है निफ्टी में भी एक बड़ा फॉल आ सकता है. और डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है एक बार वापस 19,000-18,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं. यहाँ से मेरा एक्सट्रीमली बेरिश व्यू हो गया है करंट लेवल से निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड तीनों में. कल से फॉलो अप सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो मेरा ध्यान शॉर्ट की तरफ ज्यादा रहेगा, और मैं आपको भी यही एडवाइस कर रहा हूँ कि शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना. और अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है तो एक बार एग्जिट करने की राय होगी. नया पोर्टफोलियो जब मार्केट गिर जाए तभी आप बना लेना, जब मार्केट 9000 हो जाए तभी आप बना लेना, या फिर अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो अभी आपको पोर्टफोलियो बनाने की एडवाइस नहीं होगी. 9000 लेवल के आसपास आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो. अब एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी टीवी. अगर आप देखें डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन टूट चुका है. ये देखो एक सिंपल ट्रेंड लाइन था, निफ्टी ने ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है. और मुझे लगता है यहाँ से 19,500 बहुत फास्ट हमें देखने को मिल सकता है. सो एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है. ये वीडियो आप याद रखना, क्योंकि 9,500 जब आएगा तो मैं आपको ये वीडियो वापस दिखाने वाला हूँ. तो ध्यान रखना ये वीडियो, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ से डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, और अगस्त सीरीज और सितंबर सीरीज, ये दोनों सीरीज में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा शॉर्ट दिया था 600 के आसपास. ये 600 के नीचे गया, उसके बाद 609 का स्टॉप लॉस था, और एग्जैक्टली 609 का स्टॉप लॉस रेट हुआ है. तो M&M में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, और अंबुजा सीमेंट में जो सेल दिया था उसमें सेल ट्रिगर नहीं हुआ है. तो मैंने दो ही ट्रेड दिए थे, मैंने आपको बोला भी था कि आज मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी है. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. सबसे पहला स्टॉक होगा हीरो मोटो. हीरो मोटो मुझे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है. बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन तोड़ चुके हैं अभी, और अगर आप स्ट्रक्चर देखो बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव लग रहा है मुझे. और हीरो मोटो मुझे लगता है ऐसे 2500 तक भी आ सकता है, पॉसिबल है. तो पोजिशनली भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा और इंट्राडे के लिए भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा. एंड नेक्स्ट स्टॉक होगा जसडायल. जसडायल काफी स्ट्रक्चर वीक है, और अगर आप देखो ये एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट भी ऑलमोस्ट यहीं पे क्लोज हुआ है. अगर ये टूटता है तो एक बड़ा फॉल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दो बार अगर आप देखो टेस्ट हो चुका है. तो अगर ये टूटता है तो यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है. 320 तक भी पॉसिबल है जसडायल. तो जसडायल में भी शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है आपको. एंड लास्ट स्टॉक होगा HDFC. HDFC भी स्ट्रक्चर काफी एक्सट्रीमली नेगेटिव लग रहा है. बहुत सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, और मुझे लगता है बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है बहुत सारे स्टॉक्स में. तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है,
बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप देखो तो ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, क्रूड ऑयल का भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सेकेंड राउंड ऑफ सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। कल आने वाला एक दो दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर एक दो दिन में फॉलो थ्रू सेलिंग आना चाहिए, फॉलो थ्रू सेलिंग अगर नहीं आया तो ये थोड़ा सा व्यू निगेट हो जाएगा। तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा, फॉलो थ्रू सेलिंग आता है कल और मंडे को, अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड विल बी कन्फर्म्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही, शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना, लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल भी मत बनाना, यही एडवाइस है। अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।